नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बच्चों, आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो एक न्यू क्वेश्चन पर है। और जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा राइट एन एसे ऑन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जब आप लिखोगे तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पर आप देख रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल नया है। तो मैंने बहुत इजी करने की कोशिश की है कि वो चीज़ आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो इसमें से आपको जितना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कम से कम आप मेन मेन पॉइंट्स जिनको मैं बता रही हूँ उनको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन ही लिखा हुआ है राइट एन एसे ऑन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने सभी का नहीं दिया है, दैट इज़ स्पेशली अबाउट कॉन्सोनेंट्स। ये स्पेशली कॉन्सोनेंट्स के लिए है। और अगर यहाँ पर आपको लग रहा हो कि आपका आ जाता है बाउल से रिलेटेड आ जाती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो मैं इसी में आपको बताऊँगी कि कैसे आपको डिवाइडेशन करना है और कैसे आपके यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो सकते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, ये हमारा इंट्रोडक्शन आ रहा है। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को करते हैं, स्पेशली जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, उनकी डेफिनेशन हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर ये जो एक लाइन की डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच, इतनी आपको याद कर लेनी है। लेकिन अगर इसके फर्दर भी आप ये तीनों लाइंस जो हैं याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाकी ये जो है, द IPA सिम्बल्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट इन द राइटिंग द साउंड्स, ये आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि दैट इज़ रियली हार्ड टू लर्न ऑल दीज लाइन्स इन इंग्लिश, सो यू कैन लर्न ओनली दिस डेफिनेशन, दैट इज़ इनफ फॉर यू। बट ये नहीं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज 5 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और 5 में से कौन सा आपको आएगा। कम से कम यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं पूरी यूनिट मैंने कवर करने की कोशिश की है कि उसी में से आप लोगों को मिल जाना चाहिए। 80% में श्योर हूँ कि इन्हीं वीडियो में से आप लोगों को मिलेगा। तो अभी हमने जो देखा, यहाँ पर देखा कि हम लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, देन हम लोगों को इंट्रोडक्शन करना है। अब इंट्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ही करोगे। आप लोगों को क्या करना है कि आपको इस जो आपका ये आ रहा है पूरा इंट्रोडक्शन, उसमें से थोड़ा आपको ऐसा कर देना है कि आप 6 to 7 लाइन्स को लिख दो। यहाँ पर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, एटलीस्ट यू हैव टू राइट एटलीस्ट 6 to 7 लाइन्स। तो आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं, जो भी आप लोगों को लग रही हो कि आपके लिए सुटेबल है और आप याद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये है ये हाफ पार्ट है और यहाँ पर ये हाफ पार्ट है। इसको मैंने 2 फोटोज़ में लिया हुआ है, आपको जौन सा लगे कि जौन सी फ़ोटो आपको बहुत अच्छी लगे कि हाँ इसमें आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आप देख सकते हो। दोनों उसी के आगे का, यहाँ से आगे का भाग है ट्रांसक्रिप्शन आप देख रहे हो। इससे आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ से आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं लिखना तो ये जो कोटेशन मार्क है इनको आप ब्लैक पेन से लिख कर आइएगा। और जब कोटेशन मार्क आप ब्लैक पेन से लिखोगे तो कोटेशन मार्क को आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये दोनों फोटोज़ जो हैं एक ही चीज़ को दिखा रही हैं। आपको जौन सी वाली फ़ोटो क्लियर लगी वो आप लोग, लेकिन आप ये नहीं समझिए कि यहीं पर आपका क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। आपका जो क्वेश्चन है अभी आगे भी है, तो IPA यहाँ से शुरू होता है, तो इसमें से आप थोड़ी सी चीज़ों को कट कर सकते हो, इट मीन्स काट सकते हो, जो भी आप लोगों को याद हो जाए वो बहुत अच्छी बात है। ये IPA जो सिंबल्स हैं इनको आप अगर मेंशन करते हो तो ये आपके लिए मार्क्स गेनिंग रहते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो तो आप इनको एग्जाम भी कर सकते हो, लेकिन
अच्छा रहेगा कि अगर आप इन्हें याद करने की कोशिश करो। अगर आपने क्लास में थोड़ा बहुत भी समझा होगा तो आई होप आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर ही आपका इंट्रोडक्शन है। ये जो शब्द है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ लिखा है, ये अभी यहाँ नहीं लिखना है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ये उसकी कटिंग है जो ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को यहाँ से तक अपना जो इंट्रोडक्शन है उसमें से आपको 8 to 10 लाइन फाइंड आउट करनी है, और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन्स हो आप उन्हीं को मैंशन कीजिएगा। मार्क्स गेनिंग रहता है और आपको टारगेट करके जाना है कि कम से कम आप अपने आंसर को 4 पेज तक ले जाएं। एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आप 4 पेजेस तक चले जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे। अगर आप जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे यहाँ वीडियोस में आप देख रहे हैं, आप लिख कर आते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स स्कैनिंग रहता है। आप यहाँ देख सकते हो ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने काटा था वो यहाँ का भाग है। तो यूज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मैं अभी पीछे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल नीचे की तरफ आप आएंगे, ये हाइड हो रहा है यहाँ पर। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ये भाग है हमारा, जो आगे हमारी हेडिंग है यहाँ का भाग है, इसके यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आपको यहीं पर लिखना है। इसमें से भी आपको यूज़ एंड इम्पॉर्टेंस अगर आप लिखना चाहते हैं और आप इतना ज़्यादा याद नहीं करना चाहते तो आप कम से कम यहाँ से उनको 1-2 लाइनें आपको मेंशन करनी है तो उनको आप करने की याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में अभी काफ़ी वक्त है। यहाँ पर देखिए ये जो अब अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा याद नहीं हो रहा है तो लिस्ट ऑफ फोनेटिक सिम्बल्स याद रखिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये सभी फोनेटिक सिंबल्स में चल सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाउल साउंड दिए हैं और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड दिए हैं। तो आपको चाहे फोनेटिक सिंबल्स वाउल्स किया जाए और चाहे कॉन्सोनेंट किया जाए, क्वेश्चन आपका यही आएगा। लेकिन ये है कि अगर आपसे मेंशन कर दिया जाए, स्पेशल मेंशन हो, एक तो होता है कि हम सिर्फ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहे हैं उसमें सब आ जाता है, वाउल भी आ जाता है, कॉन्सोनेंट भी आ जाता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर ऐसे दे देते हैं कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ वो कॉन्सोनेंट की मांगे, तो आपको ये वाउल वाला चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट का चार्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पर जो चार्ट दिया है ये मैंने पूरा पेपर पे भी लिया है, तो आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो आप लोग मुझे बता सकते हो। ये आपका कॉन्सोनेंट के लिए पूछा जाए तो आपको कॉन्सोनेंट क्वेश्चन अब में आपको देखना है कि आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है। अगर उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कॉन्सोनेंट तो सिर्फ कॉन्सोनेंट, और अगर स्पेशल मेंशन किया सिर्फ वाउल का पूछा है तो उसके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा उसके साथ मिक्स होकर होगा। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सोनेंट जहाँ तक है पूछा जाना चाहिए, तो आपकी ये लिस्ट आ जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन वो सिर्फ पूरा का पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर भी पूछ सकते हैं, तो उसमें दोनों जाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमने वीडियो में देखा था, वीडियो की स्टार्टिंग में ही, कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में नोट लिखना है हम लोगों को, तो इसमें वाउल्स भी जाएंगे और कॉन्सोनेंट भी, दोनों का ही एज इट इज़ फिगर आएगा जैसे आप यहाँ पर पेज पर देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ये इसके जस्ट बात का है, ये मैंने पूरा फिगर लेने की कोशिश की है। अगर इसमें भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा यहाँ पर फिनिश किया है। ये तीनों एक ही हैं, यहाँ पर नंबरिंग से आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे ये 8 तक है और ये वाला 8 to 9 तक है। यहाँ से देखिए फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 9, 10 यहाँ पर क्लियर हो रहा है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है हमारे इस पेज पर कि हमारे 20 जो हैं हमारे वाउल्स आ गए और 24 हमारे क्या आ गए, कॉन्सोनेंट्स आ गए। तो यहाँ हमारा चार्ट पूरा हो जाता है। ये एक ही चार्ट है, आपको इतना नहीं करना है कि पहले आप 9 बना दोगे फिर ऐसे बनाओगे, ये चार्ट ऐसे है बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है कि ये कम्प्लीट आपको दिख जाए। तो ये इस तरीके का चार्ट है, इसी तरह आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। आप थोड़ा सा इसको हॉरिजेंटल पोर्ट्रेट मोड पर करके देखेंगे अपना फ़ोन तो ये उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये एक पूरा चार्ट है, अगर आपको उन दोनों चार्ट्स में से समझ नहीं आया तो आप थोड़ा सा इसको अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड पर लगाकर देख लीजिएगा। ये इस तरीके से आपका ये यहाँ तक जाता है।
थोड़ा सा डिटेलिंग जब भी हम टेबल देते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर दें, तो वो हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है और ये आपको थोड़ा इजी भी लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, उसके ऊपर यहाँ पर 3 से 4 लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। देन मोनोसिलेबिक, ये आपने सिलेबल वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा, इसको आप यहाँ अगर मेंशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन से आपको, जैसे आप सिलेबल वाला याद करेंगे, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका निकल जाता है। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो चार्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बनाए आते हो तो आपको डिटेलिंग बहुत कम लिखनी होगी। और ध्यान रखिए, एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, एग्जाम्पल्स अगर ऐसे देते हैं आप तो आपके लिए मार्क्स गेनिंग रहता है। यहाँ पर देखिए, मोनोसिलेबिक की डेफिनेशन ये आप पहले भी कर चुके हैं अपने सिलेबल वाले क्वेश्चन में, तो आप कर सकते हो ये भी। एंड देन इसके एग्जाम्पल्स, इसके अलावा आपको कोई करने हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन इतने आप लोगों के लिए बहुत हो जाते हैं जितना आपको ये स्लाइड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, डाइसलेबिक ये भी आप लोग पहले कर चुके हो, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ये ऐड किए हैं। फिर आप क्या कर दोगे, एग्जांपल्स को ऐड कर दोगे। एंड देन फाइनली आप यहाँ पर बता दोगे कि आपकी जो वी है ये वाउल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी कॉन्सनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपका कंक्लूजन यहाँ पर आ जाता है। कंक्लूजन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है, जस्ट सिंपल जो आपको कंक्लूजन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप अपना कंक्लूजन ऐड कर दोगे। लेकिन यहाँ सिलेबल बहुत ज़्यादा जो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सिलेबल का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। तो यहाँ पर जो है आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का कंक्लूजन ऐड करा दूंगी। तो यहाँ पर ये जो आपका है ये सिलेबल के लिए ज़्यादा सुटेबल हो रहा है, इंस्टेड कि आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर इसको कंक्लूड करें। तो आपका ये कंक्लूजन जो जाएगा वो सिलेबल के लिए जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे कौन सा कंक्लूजन जाना चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देती हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आए जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कौन सा आंसर दोगे? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, राइट एन एसे ऑन द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वाउल, तो आपकी हेडिंग्स क्या रहेंगी? और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, तो आपकी हेडिंग क्या रहेंगी? और आपको मुझे कुछ शब्दों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देना है ये टेस्ट में। तो मुझे यहाँ पर कुछ शब्दों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देना है जो मैं अभी आपसे पूछने वाली हूँ, और ये टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ कंफ्यूज होने से बेहतर यहाँ आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताने वाले हैं वो मैं अब आपको मुझे कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बतानी है कि आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी वाउल्स आर इन इंग्लिश, वाउल साउंड्स आर इन इंग्लिश एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर इन इंग्लिश। और मुझे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देने हैं, लाइक अ साउंड का और आ साउंड का, अ साउंड का, तो आपको ए साउंड का कुछ ऐसे मुझे ट्रांसक्रिप्शन आपको बतानी है कि फर्दर हम जो एग्जांपल्स हैं वो ऐसे डाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इस वीडियो में आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं। 4 क्वेश्चंस किस तरह से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो हमने स्क्रीन पर देखा था कि आपको जो नोट लिखने के लिए आ सकता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर, पहला वो। सेकेंड आपको आ सकता है सिर्फ वाउल साउंड पर। थर्ड आपको आ सकता है कॉन्सोनेंट साउंड्स पर। और फोर्थ आपको आ सकता है इम्पॉर्टेंस एंड यूज़। इम्पॉर्टेंस एंड यूज़ का जो मैंने अभी हेडिंग बताया था, इम्पॉर्टेंस एंड यूज़ ये हेडिंग आपको बताया था, तो भी आपको सेम ही क्वेश्चन करना है। तो इसका कंक्लूजन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फटाफट से चैनल को आपको लाइक कर देना है। थैंक यू सो मच।